हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाइल्ड एजुकेशन। आईसीएमए की तरफ से बिग हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट सभी सीएमए स्टूडेंट्स के लिए। चैप सीएमए जून 22 अटेम्प्ट के स्टूडेंट हो, अपकमिंग दिसंबर 22 और जून 23 एंड ऑनवर्ड्स के स्टूडेंट हो, सो क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताएगा कि आप कौन से अटेम्प्ट के स्टूडेंट हो। चैनल में अगर आप नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ओपन करना ना भूलेगा। सो इंस्टीट्यूट के आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आपको बताइए कि दिसंबर 22 एग्जामिशन के लिए जो है लास्ट डेट आ चुकी है। 31 जुलाई से पहले आप जो है रजिस्टर कर लीजिएगा। 31 जुलाई से पहले अगर रजिस्टर कर लेते तो आप जो है सिलेबस 2016 के अंदर ही एनरोल होंगे, चाहे आप सी एम ए फाउंडेशन में हो, सी एम ए इंटरमीडिएट में हो, सी एम ए फाइनल में हो। और इसी के साथ जो भी स्टूडेंट 31 जुलाई 2022 के बाद रजिस्टर करेगा तो वो स्टूडेंट जो है सिलेबस 2022, जी हाँ, सी एम ए का न्यू सिलेबस इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूस करने जा रही है। इफेक्टिव है 1 अगस्त 2022 एंड ऑनवर्ड्स। तो जो भी स्टूडेंट बेसिकली जून 23 एंड ऑनवर्ड्स दिसंबर 23 में एग्जामिशन देंगे तो वो जो है न्यू स्कीम में ही एग्जामिशन देंगे। लेकिन जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया 31 जुलाई तक, वो कब तक ओल्ड स्कीम में बेसिकली जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम है उसमें एग्जामिशन दे सकते हैं। तो आप जो है दिसंबर 22, जून 23 और दिसंबर 23 तीन अटेम्प्ट तक जो है एग्जिस्टिंग स्कीम में एग्जामिशन दे सकते हैं। उसके बाद जो आपको न्यू स्कीम में कन्वर्जन करवाना पड़ेगा। और जो सी एम ए फाउंडेशन जून 22 अटेम्प्ट के स्टूडेंट है उनका रिजल्ट भी मोस्ट प्रोबेबली जुलाई एंड से पहले पहले आ जाता है, और वो जो है जुलाई एंड से पहले रजिस्ट्रेशन कर भी लेते हैं जो है सिलेबस 2016 में ही एनरोल होंगे बेसिकली एग्जिस्टिंग के, वो एग्जामिशन जो है अपकमिंग 3 अटेम्प्ट में दे सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन जो 1 अगस्त ऑनवर्ड्स करवाएगा तो वो ऑब्वियसली न्यू स्कीम में एनरोल हो जाएगा। ये न्यू सिलेबस आ रहा है उसका जो इम्पैक्ट है सी एम ए इंटर और फाइनल के सिलेबस में, सी एम ए फाउंडेशन के सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अगर आपको सी एम ए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के बारे में जानना है तो उनका वीडियो का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट ने ये भी बता रखा है कि देयर विल बी नो एक्सटेंशन ऑफ एडमिशन, रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट इन फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल। 31 जुलाई से पहले पहले जो आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, और जो भी 1 अगस्त 2022 के बाद रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो वो जो है न्यू स्कीम में ही रजिस्टर्ड होगा। आईसीएमए की हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट सभी सीएमए स्टूडेंट्स के लिए जो भी सीएमए कोर्स को परस्यू कर रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा सभी सीएमए स्टूडेंट्स के साथ। वीडियो के एफर्ट्स लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताएगा कि आप कौन से अटेम्प्ट के स्टूडेंट हैं। चैनल में अगर अपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ओपन करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।